और एक बड़ी अपडेट आपको दे दे, कोरोना संक्रमण रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। यूपी में 30 अप्रैल तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। यूपी में कोचिंग सेंटर भी 30 अप्रैल तक के लिए बंद किए गए हैं। पहले से तय परीक्षाएं होंगी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है। बड़ी खबर आपको दे दे, कोरोना पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में कोरोना से हालात बिगड़े हैं और स्थिति चिंताजनक है। नवंबर से ज्यादा खतरनाक दौर, दिल्ली के हालात पर सरकार की पूरी नजर है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये बातें कही है और बताया है कि कोरोना से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना के केस ना बढ़े इसलिए लोगों का साथ जरूरी है। अस्पताल की व्यवस्था चरमराई है तो लॉकडाउन होगा, यानी कि अगर आगे मुश्किल और बढ़ती है तो लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। इस बात के भी संकेत दिए गए हैं दिल्ली के सीएम की ओर से। एक और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, दिल्ली में पहली बार आंकड़ा पहुंचा है 10,000 के पार। सबको टीका लगवाने की इजाजत हो, दिल्ली सरकार सभी को टीका लगाने को तैयार है। दिल्ली में 65% मरीज 35 साल से कम उम्र के हैं। दो दिन लगभग 8,000-8,500 केस थे और कल 24 घंटे में 10,732 केसेस आए। इसके ऊपर स्थिति बेहद चिंताजनक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बड़ी खबर आ रही है, इस बीच लॉकडाउन का फैसला सिर्फ पीएम कर सकते हैं, ये संजय राउत ने कहा है। बंगाल चुनाव के बाद ही पीएम लेंगे फैसला, संजय राउत का ये अहम बयान आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है, दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते ये फैसला लिया गया है। सभी सरकारी प्राइवेट स्कूल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। इस वक्त हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर, कोरोना के बढ़ते खतरे के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है कि हर क्लास के जितने भी स्कूल हैं, चाहे वो सरकारी हैं या फिर वो प्राइवेट हैं, उनको अगले आदेश तक के लिए बंद करने का फैसला लिया है दिल्ली सरकार ने। दरअसल में पिछले करीब 25 दिन के अंदर कोरोना के मामले देश की राजधानी दिल्ली में बहुत तेजी से बढ़े हैं। 7,500 के आसपास कोरोना के मामले इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में आ चुके हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में कोरोना का खतरा और बढ़ सकता है। इसी के मद्देनजर एहतियातन बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से, दिल्ली के सभी स्कूलों को बंद करने का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया है, अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे।